इंदौर के भवरको थाना क्षेत्र में जमीन से जुड़े मामले में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ धारा 420 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया है। इंदौर में जमीन से जुड़े धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ताजा मामला शहर भवरको थाना क्षेत्र का है, जहां गणेश नगर में एक महिला के प्लॉट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। अनीता अरोड़ा नामक महिला ने इस संबंध में भवरको थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया गया कि श्रीराम जगदाले, राजेश जगदाले और सुमन जगदाले नामक 3 लोगों ने महिला को गणेश नगर में प्लॉट दिलाने के नाम पर सौदा किया था, जिसकी एवज में राशि भी वसूल कर ली गई थी, लेकिन प्लॉट पर कब्जा नहीं दिया गया। महिला की शिकायत के बाद इन तीनों ही लोगों के खिलाफ धारा 420 सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एक भवरकुआ में आवेदिका थी अनीता पति गोविंद अरोरा, गणेश नगर निवासी हैं। इनके द्वारा एक शिकायत आवेदन पत्र थाना भवरकुआ पर दिया गया था कि ये श्रीराम जगदाले, राजेश जगदाले और सुमन जगदाले, इनके द्वारा एक प्लाट इसको विक्रय किया गया था और विक्रय राशि लेने के बाद भी इनको प्लाट पर कब्जा रखे रहे और प्लाट इनको नहीं दिया गया था। शिकायत जांच में इन तीनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 420, 406, 448, 534 का अपराध थाना भवरकुआ पर पंजीबद्ध किया गया है।